Hello everybody, today we are going to study the poem by Kamala Das, My Mother at 66. Students, आज हम कमला दास की poem My Mother at 66 के बारे में पढ़ेंगे. कमला दास का जन्म 1934 में मालाबार में केरला में हुआ. कमला दास इंग्लिश की बहुत मशहूर राइटर हैं और जितना अच्छा वो इंग्लिश में लिखती हैं उतना ही अच्छा खुद की मदर टंग मलयाली में भी वो लिखती हैं. बचपन में उनका नाम माधवी कुट्टी था और उन्होंने काफ़ी अच्छी पोएम लिखी और उन्होंने जो कुछ भी लिखा उसमें मिट्टी की गंध आती है. जो भी लिखा उन्होंने वो ओरिजिनल थॉट है और काफ़ी उनकी पोएम उनकी फ्रैंकनेस के लिए उनके कैंडिड व्यूज़ के लिए और उनकी ह्यूमन साइकोलॉजी की जो अंडरस्टैंडिंग है उसके लिए काफ़ी फेमस हैं. उन्होंने कुछ नॉवल वगैरह भी लिखे, कुछ शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी, तो काफ़ी सेंसिटिव ह्यूमन बीइंग है वो. और कमला दास बहुत सेंसिटिव राइटर हैं जिन्होंने ह्यूमन रिलेशनशिप्स की जो कॉम्प्लेक्स नेचर है उस पर उन्होंने लाइट डाली, उस पर प्रकाश डाला है अपनी पोएम में माय मदर एट 66. इस पोएम में Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me. कमला दास कहती हैं कि वो अपने पेरेंट्स के घर से जब वो अपने घर कोचीन की तरफ जब पिछले फ्राइडे को जब वो मॉर्निंग में आ रही थी तो उन्होंने अपनी मदर को अपने साथ में देखा. उनकी मदर उनके साथ बैठी हुई थी. Doors open mouth her face ashen like that of a corpse and realized with pain. तो उनकी मदर ऊँग रही थी, अर्ध नींद की अवस्था में थी. ठीक है, जैसे नींद की जैसी अवस्था में थी. शी वॉज डोजिंग, शी वॉज नियरली स्लीपिंग और उनका मुंह खुला हुआ था. उनका फेस एकदम निर्जीव बेजान सा उनका चेहरा नज़र आ रहा था, जैसे कि कॉप्स का चेहरा बेजान होता है. कॉप्स मीन्स डेड बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग. यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ, डेड बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड कॉप्स एंड डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल इज कॉल्ड कैरकास. तो दोनों में डिफरेंस है. वी हैव टू डिस्टिंक्ट वर्ड्स फॉर डेड बॉडी ऑफ एनिमल्स एंड डेड बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स. तो एक शव की तरह, एक डेड बॉडी की तरह उनका चेहरा बिल्कुल निर्जीव और बेजान दिखाई दे रहा था. दैट शी थॉट अवे एंड लुक्ड. फिर कमला दास ने अपनी उन्होंने खुद बाहर देखना शुरू कर दिया, कार से बाहर देखना शुरू कर दिया अपना ध्यान हटाने के लिए. लेकिन दोबारा से फिर उनको देखने लगी. पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज प्रिंटिंग. फिर दोबारा से उन्होंने उस विचार को अपनी माँ को देख करके जो उनके विचार आते थे, जो डर उनका बचपन का जो डर दोबारा से जिंदा हो जाता था, उससे बचने के लिए, उस विचार को टालने के लिए, उस थॉट को खुद से दूर करने के लिए उन्होंने खिड़की से बाहर देखना शुरू किया. उन्होंने अपनी कार की खिड़की से बाहर देखना शुरू किया और खिड़की के बाहर उनको ही लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज प्रिंटिंग द मैरी चिल्ड्रेन स्पिलिंग आउट ऑफ द होम्स बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स. तो उनको पेड़ दौड़ते हुए नज़र आए. ठीक है, लुक्ड एट यंग ट्रीज प्रिंटिंग, पेड़ दौड़ते हुए नज़र आए. ये इट इज़ इल्यूजन. जब हम लोग कार से या किसी व्हीकल से जब हम आगे बढ़ते हैं तो बाहर का जो सीन है हमको ऐसा लगता है कि जैसे पेड़ पौधे मकान वगैरह सब पीछे दौड़ रहे हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं. और छोटे छोटे बच्चे जो खुश थे, जो खुश मिजाज थे बच्चे, जो खुश थे, दे वर हैप्पी चिल्ड्रेन, दे वर कमिंग आउट ऑफ द होम्स, अपने घरों से निकल रहे थे. बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे आई लुक्ड अगेन एट अ वैन पेल. एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद, एयरपोर्ट की सिक्योरिटी की चेकिंग होने के बाद उन्होंने उनको दोबारा देखा, अपनी माँ को. उनका चेहरा, उसकी माँ का चेहरा, कमला दास की माँ का चेहरा वापस से बिल्कुल पीला पड़ा हुआ था, बिल्कुल बेजान और निर्जीव था, जैसा कि पिछले पैराग्राफ में आपको, पिछले स्टैंजा में आपको बताया गया.
एज अ लेट विंटर्स मून एंड पेल्ट दैट ओल्ड। और कमला दास की माँ का चेहरा जो है सर्दियों में जो चांद दिखाई देता है, सर्दियों में देर रात को जो चांद दिखाई देता है उसका हल्का सा प्रकाश होता है, उस प्रकार से हल्की सी रोशनी होती है, उस प्रकार से उसकी मदर का चेहरा भी बिल्कुल पेल था। मदर्स फेस वॉज कलरलेस एंड इट लुक्ड लाइफलेस, और वो बेजान सा चेहरा नज़र आ रहा था। और उसकी माँ उसको, कमला दास को, एक सर्दी के चांद की तरह, सर्दी के मून की तरह बिल्कुल ओल्ड महसूस हुई, ओल्ड दिखाई दी। फैमिलियर एक माई चाइल्ड हुड फियर बट ऑल आई सैड वॉज सी यू सून अम्मा। तो कमला दास के मन में अपनी माँ का फेस देखने के बाद उसका पुराना जो बचपन का जो डर था, जो चाइल्ड हुड का जो डर था, वो दोबारा से ज़िंदा हो गया। उसको लगा कि दैट शी वुड बी सेपरेटेड फ्रॉम अ मदर। उसको ये एहसास हुआ कि बुढ़ापे का असर उसकी माँ के ऊपर होने लगा है और बहुत जल्दी ही उसकी माँ से उसका साथ छूट जाएगा। वेरी सून हर मदर विल बी नो मोर। ठीक है, लेकिन फिर भी उसने अपनी माँ से कहा, सी यू सून अम्मा, अम्मा जल्दी ही मिलेंगे। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। और उसने, कमला दास ने जो कुछ किया वो सिर्फ मुस्कुराती रही, मुस्कुराती रही, मुस्कुराती रही। इस प्रकार से अपनी मुस्कुराहट में उसने, कमला दास ने, अपने बचपन के दर्द को, अपने दर्द को, अपने डर को छिपाने की कोशिश की। यहाँ पर इन दोनों पैराग्राफ में एक कॉन्ट्रास्ट है, इस लास्ट स्टैंजा के अंदर एक कॉन्ट्रास्ट है। जो बच्चे जो बाहर अपने मकानों से बाहर निकलते हैं खेलते हुए, उछलते हुए, खुशी से झूमते हुए बच्चे जो बाहर निकलते हैं, और हरे भरे पेड़ जो कार से जो पीछे छूट जाते हैं, वो दे रिप्रेजेंट लाइफ, वो लाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं, वो खुशी को रिप्रेजेंट करते हैं। दे रिप्रेजेंट हैप्पीनेस, दे रिप्रेजेंट एनर्जी, एनर्जी शक्ति जीवंतता को वो रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि कमला दास की मदर का फेस, इट रिप्रेजेंट्स डेथ, ओल्ड एज एंड डिके। Now I shall tell you about figures of speech used in this poem. In the first stanza, there's a line, Doors open mouth, her face ashen like that of a corpse. यहाँ पर simile है, simile is introduced by words like and as. So यहाँ पर like that of a corpse. So her mother's lifeless face has been given a simile of corpse. And the second figure of speech is as late winter's moon. Here also there is simile, because I told you that simile is introduced by using like and as, and in the last line there is repetition. All I did was smile and smile and smile. Thank you, have a wonderful day, and don't forget to subscribe my channel.